हेलो गाइज, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। तो इस वीडियो पे आप बने रहिएगा, इस बाइक से रिलेटेड सारे अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे ये बाइक कब लॉन्च होगी, कितना प्राइस है, इस बाइक का कितना किलोमीटर का रेंज है और क्या कुछ इस बाइक में फीचर्स देखने को मिलता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऑफिशियल लॉन्च से पहले कंपनी के CEO भावेश अग्रवाल ने इसकी एक झलक दिखाया है कि ये बाइक दिखेगा कैसा और सड़कों पर चलने पर इस दौरान इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। ओला इलेक्ट्रिक के CEO ने सोशल मीडिया ट्विटर पर एक ट्वीट कर अपनी पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो भी दिखाया है। साथ ही अग्रवाल ने दावा किया है कि इस ट्विटर को पढ़ने में जितना टाइम लगाएंगे उससे कहीं तेजी से यह 0 से 60 की स्पीड पकड़ लेगी। तैयार हो या नहीं, एक क्रांति आ रही है, ये ट्विटर में ट्वीट के जरिए कहा गया है भावेश अग्रवाल ओला इलेक्ट्रिक के तरफ से। वहीं इसके लॉन्चिंग की बात करें तो इस बाइक को इंडिया में लॉन्च को लेकर काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है और कंपनी भी अब बहुत जल्द इस बाइक को लॉन्च करने का प्लान कर रही है। उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि इस मंथ के एंड तक यह बाइक को लॉन्च कर दिया जाएगा और उसी टाइम प्राइस को भी बता दिया जाएगा। बट जो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 1,00,100 तक बताया जा रहा है, बट फेम 2 के आने के बाद इसका प्राइस और भी कम हो सकता है। हो सकता है ये 80,000 से 90,000 रुपये के अंदर ही ये बाइक आपको मिल जाए। यह एथर के एथर 450X जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर को टक्कर देगा। वहीं ओला स्कूटर के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें, ओला की आने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर इटेरगो ऐप स्कूटर पर आधारित है। ओला कैब ने मई 2020 में नीदरलैंड स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी इटेरगो का अधिग्रहण किया था। इस स्कूटर में एक स्वैपेबल हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरी पैक मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक यह फुल चार्ज पर 240 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में सीट के नीचे 50 लीटर की स्टोरेज क्षमता भी मिलती है। कंपनी के चार्जर नेटवर्क का यूज कर ओला स्कूटर को सिर्फ 18 मिनट में 50% तक चार्ज किया जा सकता है, जिसके बाद यह करीबन 75 किलोमीटर तक की दूरी को आसानी से तय कर सकता है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के साथ इसे घर में चार्ज करने के लिए एक होम चार्जिंग यूनिट भी दिया जाएगा। ओला ने अप्रैल के महीने में अपने ओला हाइपर चार्जर नेटवर्क को पेश किया था। ओला के मुताबिक यह दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क होगा, जिसमें 1,00,000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट होंगे, जिसे देश भर में 400 सिटीज़ में बनाया जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक की योजना है कि वह अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के सभी कस्टमर को चार्जिंग की सुविधा देगी। इस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ओला स्कूटर और कंपनी के आगामी सभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को चार्ज किया जा सकेगा। कंपनी ने तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया और अपने प्लांट के निर्माण में 2400 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ओला के मुताबिक उसकी इस फैक्ट्री में 10,000 जॉब मिलेगी। इस फैक्ट्री से साल में 20,00,000 स्कूटर को उत्पादन किया जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल यही अपडेट है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। और ऐसे ही बाइक रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाइक रिलेटेड न्यूज़ या कार रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पर ही पोस्ट में डालता हूँ या स्टोरी में डालता हूँ। आपको मेरे इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे एक क्लिक से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।